बच्चों नीट 2024 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, एक दो दिन रह गए नीट आने नीट के लिए। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब तो वो टाइम आ गया कि सारे साल की हुई मेहनत का फल तुम्हें मिलने का है। हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली द वेट इज ओवर, दो दिन रह गए हैं आपके नीट एग्जाम के लिए, तो इन चार बातों का ध्यान रखिएगा प्लीज। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ओवरकम कीजिए अपना स्ट्रेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मेंटेन करिए फोकस। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। एंड लास्ट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब दो ही दिन बचे हैं नीट 2024 के अंदर, तो मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप सब लोगों के लिए कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड नहीं खाएं और खूब सारा पानी पिएं ताकि आप लोग बहुत एक्टिव रहें, हाइड्रेटेड रहें। थोड़ी सी घबराहट होना नेचुरल है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये घबराहट पैनिक में कन्वर्ट ना हो। अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, मेडिटेट करें, प्रेयर करें, आपका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ छोटे छोटे टिप्स, कुछ चीज़ें बताने की, मैं थोड़ी सी एकेडमिक बात करूँगा। नीट के से पहले रिवीजन करनी ज़रूरी होती है। ये इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि तुम अपने आप को बिजी रखो और अपने खाली दिमाग में ऐसा ना हो कि इधर उधर की बातें सोचते रहो। छोटी सी और एडवाइस ये, क्योंकि हमारा नीट का पेपर दोपहर को होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो प्लीज़ उस टाइम पे अपना सोना या बहुत ज़्यादा रेस्ट करना उस टाइम के लिए अवॉइड करें। 2 to 5:20 यू शुड बी फुली एक्टिव सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दी पेपर वाइजली एंड एक्टिवली। वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट रिविजन्स, हल्की हल्की रिविजन्स उन टॉपिक्स की करो जो टॉपिक्स आपको जनरली या तो उतने याद नहीं होते, जैसे केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उनके थोड़े थोड़े टॉपिक्स एनसीईआरटी से अपने हल्के हल्के रिविजन करते रहे। बायो के अंदर एनसीईआरटी को हल्का हल्का रिवाइज करते रहे। जो पीछे टेस्ट पेपर्स तुमने करे हैं जिनमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, जो तुमसे ठीक नहीं हुए थे, उनको एक बार एक लुक मार लो। कहने का मतलब यह है इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पहले पढ़ा हुआ है उसी की ही रिविजन करनी है। हल्की हल्की सॉफ्ट रिविजन्स करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करने की कोशिश करना, और ना ये कोशिश करना कि मैं एक ही दिन के अंदर पूरे 2 साल का सिलेबस कवर कर लूँ दोबारा से। छोटे छोटे टिप्स होते हैं लेकिन एंड में बहुत काम आते हैं। हम चाहते हैं जितनी मेहनत तुमने पहले की है उस मेहनत को आप जाके एग्जाम हॉल में बहुत आराम से पेपर देख करके विद अ काम एंड कंपोज्ड माइंड यू ट्राई टू परफॉर्म द बेस्ट दैट यू पॉसिबली कैन। जो हो गया वो बहुत अच्छा होगा। I am 100% sure के your efforts will pay off at the end of the day. Do your best and leave the rest. Thank you and all the best. All the best. So I wish you all the very best. Wish you all the best.